Well, hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. But friends, today's episode, we are going to talk about Khiladi Kumar, Akshay Kumar and Rohit Shetty's film Suryavanshi ke release date. Well, friends, today's episode, I'll be very much to the point. ज्यादा इधर उधर की बातें न करते हुए सीधा डायरेक्टली मुद्दे पर आऊंगा. वेल फ्रेंड्स, सूर्यवंशी का रिलीज डेट एक बहुत ही बड़ा चर्चा का विषय रहा है, सिर्फ बॉलीवुड में बल्कि पूरे इंडियन सिनेमा में. रोहित शेट्टी ने वादा किया था कि जिस दिन सिनेमा घर खुलेंगे, पहली फिल्म जो लगेगी वो हमारी फिल्म सूर्यवंशी लगेगी, कैसे भी, बाय हुक एंड क्रूक. फिर खबरें आई अबाउट द प्रॉफिट शेयरिंग, द ओटीटी विंडो, सारी की सारी चीजें आई जो मैंने आपको ऑलमोस्ट फरवरी के 8 को क्लियर कर दिया था कि सारे के सारे नेगोशिएशंस हो चुके हैं. रास्ते पे खड़े रहकर वीडियो बनाया था, लेकिन उसके बावजूद भी क्या ऐसी चीजें थी जो मेकर्स को रोक रही थी टू रिलीज सूर्यवंशी. सूर्यवंशी इज बेस्ड ऑन द मुंबई पुलिस. नंबर वन, आ रही है पुलिस, कौन से स्टेट की पुलिस? महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस. एंड गाइस, जब मुंबई पुलिस के शहर में ही 50% ऑक्यूपेंसी रहेगी, इट्स अ मुंबई सर्किट फिल्म, देन गाइज फिल्म को रिलीज करना सेंसिबल नहीं, बहुत ही बेकार डिसीजन होता. मेकर्स रुके कि अब जो 100% ऑक्यूपेंसी की परमिशन दी है गवर्नमेंट ने, वो महाराष्ट्र में लागू होगी. लेकिन अनफॉर्चुनेटली महाराष्ट्र में जबरदस्त प्रबंध होने के बावजूद भी, यस फ्रेंड्स, कई स्टेट्स में पॉलिटिकल रैलीज हो रही है, यहाँ पे लाख लाख लोगों की संख्या आ रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन स्टेट से कोई डेटा आ ही नहीं रहा है. जैसे कि वहां पर ये बीमारी है ही नहीं, महाराष्ट्र में यहाँ पर पानी भी पीता है आदमी तो मास्क ऐसा रख के पीना पड़ता है कि अगर पकड़ लेगा यार, पानी पीते हुए फाइन मार देगा. इतनी कड़क सिक्योरिटी होने के बावजूद भी द नंबर्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, स्पेशली मुंबई में जहां पर ऑलमोस्ट 300 केसेस थे, अब ऑलमोस्ट 1000 के ऊपर केसेस डेली आ रहे हैं. कैसे आ रहे हैं मुझे पता नहीं. गाइस, यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार ने इतनी कठिन, कहूंगा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लगा चुके हैं कि रास्ते पर हमारे बीएमसी के आदमी इतने सारे घूम रहे हैं, यहाँ पर फाइन लगा रहे हैं, लोग मास्क पहन के घूम रहे हैं. लेकिन कुछ स्टेट्स में जहां पर लाखों की संख्या में लोग खचाखच भरे हुए एक जगह पर पॉलिटिकल रैली में, वहां पर अनफॉर्चुनेटली बीमारी है नहीं. अभी क्या लॉजिक है इसके पीछे मुझे पता नहीं. जो भी है वो सब चीजों में नहीं जाएंगे, उस चीजों को साइड में रखेंगे. लेकिन यहाँ पर थाने जो है, थाने सिटी, वहां पर 16 से 17 हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया है एंड वहां पर लॉकडाउन लगा दिया गया है. नंबर वन. नंबर टू, बहुत जगहों पर 7 अप्रैल तक महाराष्ट्र में, आई थिंक औरंगाबाद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डोंट कोट मी ऑन दिस वन, वहां पर भी गाइज 7 अप्रैल तक पूर्ण तरीके से लॉकडाउन लगा दिया गया है. कई जगहों पर नाइट कर्फ्यूज लगा दिए गए हैं. एंड गाइज, ऐसी सिचुएशन में मुंबई पुलिस यानी के सूर्यवंशी की जो पुलिस है वो नहीं आए तो वो बेहतर होगा. मैंने लास्ट एपिसोड में डिस्कस कर ही दिया था. इसलिए गाइस, अब ऑफिशियली जो मेकर्स है यानी कि रिलायंस, उन लोगों ने ये कंफर्म कर दिया है कि हम जो 2 तारीख है यानी कि 2 अप्रैल, वहां अपनी पिक्चर रिलीज नहीं करने वाले. 9 मार्च तक सबकी उम्मीदें थी कि भाई अक्षय कुमार का लकी नंबर है, 9 तारीख को कैसे भी अनाउंस कर ही देंगे. लेकिन अब 9 चली गई, 10 आ चुका है एंड अब सुबह सुबह सब लोगों को पता चल चुका है कि अब जो पुलिस है वो नहीं आने वाली. मैंने इसीलिए गाइस पिछले 2 महीने से देखा होगा जहां पर सब लोग रोना लगाए हुए हैं, ये चल रहा है, वो चल रहा है, ये होगा, वो होगा. मैंने वीडियो ही नहीं बनाया सूर्यवंशी के ऊपर, क्योंकि गाइस फालतू में खींच के टॉपिक को मतलब नहीं है. ओके, पब्लिक का इंटरेस्ट भी सूर्यवंशी में बहुत कम हो चुका है. अभी दे हैव टू बी वेरी स्ट्रांग इन द मार्केटिंग एंड पब्लिसिटी. वापस से पब्लिक में वो इंटरेस्ट जगाना है लोगों को सूर्यवंशी के प्रति. नया ट्रेलर बन के रेडी था, वो भी रिलीज नहीं किया गया. वापस से न्यू पोस्टर्स, न्यू ट्रेलर्स, सॉन्ग्स पे इनको हैविली डिपेंड करना पड़ेगा, क्योंकि इस फिल्म की USP इसके गाने ही है. जैसे ही प्रमोशन शुरू करें, मेरी इनसे विनंती है कि पहले टिप टिप बरसा पानी रिलीज कर दें ताकि पब्लिक जो है वो गर्म हो जाए पिक्चर. टिप टिप बरसा पानी, आई नो वो वाला आजा आजा मित्रा दो दूर, वो वाला गाना, रंग चढ़ा है, ये सारे के सारे एक के बाद एक खटाखट रिलीज करो. सेकंड ट्रेलर रिलीज कर दो, फिल्म की प्रमोशन धमाके से शुरू कर दो. लेकिन अब जो नई डेट है वो कब अनाउंस होने वाली, उसके लिए आपको ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी गाइज. यस फ्रेंड्स, मैक्स टू मैक्स 15th मंडे या फिर 14th, जो भी दिन है, मंडे ट्यूजडे जो भी आता है, 14th या 15th को जो मेकर्स हैं उन लोगों ने कंफर्म एक डेट सेलेक्ट की है. अब वो डेट क्या होगी, क्या वो 83 को रिप्लेस करेगी, क्या 83 आगे जाएगी, ये सारी की सारी चीजें अभी पता चलेगी 14 या 15 तारीख को. नंबर वन, ये फिल्म रमजान में रिलीज नहीं होगी. रमजान में रिलीज नहीं करे तो ही बेहतर होगा, ईद में ये फिल्म आ नहीं सकती. ईद के बाद ये फिल्म 83 की जो जगह है वो लेने की पूर्ण तरीके से तैयारी कर रही है. अब वो क्या लेती है पता नहीं, लेकिन फिलहाल
एटलीस्ट फ्रॉम माई साइड एंड इवन अक्षय कुमार फैंस भी लग रही, अभी फिलहाल करेक्ट टाइम नहीं है ये फिल्म रिलीज करने का, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन चल रहा है महामारी को लेकर। वैक्सीन इतनी अच्छी तरीके से चल रही है, हमारा देश बहुत अन्य देशों को वैक्सीन प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पर भी जितने 60 प्लस लोग हैं या फिर जितने 45 के ऊपर लोग हैं जो मॉर्बिड केसेस हैं उनको भी वैक्सीन दी जा रही है, तो वी आर वेरी गुड ऑन दैट फ्रंट। हमने काफी अच्छी तरीके से इसको कंट्रोल करके रखा है, थोड़ा और रुक जाइए जब इतना साल रुके हैं तो। ओके गाइज, वैसे बातें करना अननेसेसरी थी, इसके रिलेटेड नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ इसी के कारण है ये फिल्म नहीं आ रही है, इसलिए मैंने इस टॉपिक पे थोड़ा ब्रशअप किया है। ओके, तो 2 तारीख को 2 अप्रैल सूर्यवंशी इज नॉट रिलीजिंग इन सिनेमाज, 14th या 15th को आपको एक डेट मिलेगा जहां पर एक फिल्म रिलीज होने वाली है। क्या लगता है कौन सा डेट है बताइए कमेंट सेक्शन में। सर पसंद है प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं अमन अंसारी साइनिंग ऑफ, यू गोना सी मी वेरी सून। एंड अक्षय कुमार का जो भी स्केड्यूल है तुम लोग देख सकते हो जाके, मैंने आज से 3-4 दिन पहले वीडियो बनाया हुआ है, अभी 1 हफ्ते पहले, उसमें पूरा बताया है एंड तक वो क्या करने वाले हैं। एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।